तो जय हिंद दोस्तों, दिल्ली पुलिस में आप सबके लिए कांस्टेबल के पदों पे 7500 प्लस वैकेंसी निकल के सामने आ रही है, जिसका फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट हो रहा है। इसमें दोस्तों मेल फीमेल दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया के इंडेक्स के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो कट ऑफ होता है ऑल इंडिया वाइज एक ही कट ऑफ जाता है, जिसमें आपको झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं आसाम का हूँ, मैं बंगाल का हूँ, मैं बिहार का हूँ। इसमें दोस्तों सब कोई अप्लाई कर सकता है और ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। इसमें एज की बात करें तो 18 से 25 साल तक का उम्र तक इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख रहे हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। बात करें दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी कितनी आ रही थी, बता दो 5000 प्लस वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए एंड 2000 प्लस वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए निकल के सामने आ रही है। तो मैं दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए भी आपको सारी जानकारी दे देता हूँ और दोस्तों फॉर्म कब से अप्लाई होंगे सारी जानकारी इसी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की और वहीं से आपको सारी जानकारी देता हूँ। दिल्ली पुलिस टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपकी जो वैकेंसी निकल रही है 7547 वैकेंसी निकल के सामने आ रही है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 5056 वैकेंसी है और फीमेल कैंडिडेट के दोस्तों 2491 वैकेंसी निकल के सामने आ रही है। और ये सारी वैकेंसी दोस्तों कैटेगरी वाइज डिवाइड भी की हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूआर के लिए 3053 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी वैकेंसी है तो 542 वैकेंसी निकल रही है, ओबीसी के लिए भैया 287 वैकेंसी निकल रही है, एससी के लिए 872 वैकेंसी है और एसटी के लिए 302 वैकेंसी निकल के सामने आ रही है। पूरा दोस्तों वैकेंसी को कैटेगरी वाइज यहां पे डिवाइड किया गया है मेल फीमेल दोनों के लिए। अब इसके फॉर्म को अप्लाई करना है तो इसका एज कितना होना चाहिए, और मैं बता दूं ये जितना भी नोटिफिकेशन है मैं सारा कुछ अपने दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका लिंक दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो आइए चलते हैं इसके एज के बारे में। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 25 साल का उम्र है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देन दोस्तों एससी एसटी को जो बेनिफिट मिलता है 5 साल का वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ओबीसी को भैया 3 साल का बेनिफिट मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे दोस्त, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। देन दोस्तों इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपने 12वीं पास कर ली है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये बॉब के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने एनसीसी किया हुआ है तो आपको एनसीसी का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए 5% का बेनिफिट, बी सर्टिफिकेट के लिए 3% का बेनिफिट, ए सर्टिफिकेट के लिए 2% का बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आराम से भैया सिलेक्शन ले पाओगे। और ये देखिए एनसीसी का सारा सेंटर होता है ऑल ओवर इंडिया में, सारे एग्जाम सेंटर की यहाँ जानकारी दी हुई है, इस सारे सेंटर में ही आपके एग्जाम होने हैं। मतलब आपके घर के सामने एग्जाम होगा मेरे भाई, फॉर्म भर देना, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, हर कोई इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं इसके मेन चीज में, इसके एग्जाम जो कि दोस्तों बहुत ज्यादा टफ होते हैं, इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है कि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्लियर कर पाओ। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। इसमें दोस्तों क्या क्या आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आ जाते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, नंबर एबिलिटी के 15 क्वेश्चन आते हैं। अध्ययन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपके कंप्यूटर, एमएस वर्ड, इन सब के दोस्तों टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो आपको टाइम मिलता है कितना मिलता है तो 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है, 100 नंबर के भैया एग्जाम होते हैं। इसमें माइनस मार्किंग आपको देखने को मिलता है 0.25 का, मतलब अगर आप 4 गलती करोगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये चीज़ भैया आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह में क्या क्या पूछे जाएंगे, ठीक है, ये सारे दोस्तों इसके सिलेबस हैं। रीजनिंग में क्या क्या पूछे जाएंगे यहाँ पे दोस्तों सारा सिलेबस दिया गया है। नंबर एबिलिटी में क्या क्या पूछे जाएंगे, सारा दोस्तों सिलेबस वगैरह सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल में यहाँ पर क्या क्या होता है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर पी टी पी एस टी में आपके होते हैं, सबसे पहले रनिंग होता है, 1600 मीटर का रनिंग होता है, बहुत ही अच्छा टाइम है, 6 मिनट का आपको टाइम मिल जाता है। अगर आपका एज 30 साल के भीतर है, 30 से 40 साल तो एक सर्विसमैन वाला का होता है, तो एक सर्विसमैन यहाँ पे कोई लंडा होगा नहीं। तो हम लोग का जो जानकारी है वही मैं दे रहा हूँ। तो देखिए 14 फुट का दोस्तों आपके कितने होते हैं, 14 फीट के लॉन्ग जंप हो जाते हैं, 3.9 का आपका हाई जंप हो जाता है मेरे भाई। और देन दोस्तों इसके बाद हाइट की बात करें तो देखिए इसमें हाइट जो है 170 सेंटीमीटर आपका मांग लिया जाता है। और देन दोस्तों एसी एसटी के लिए थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल जाता है, कितना बेनिफिट आपको मिलेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर का बेनिफिट मिल जाता है, मतलब 165 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट होगा तो ये दोस्तों एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। चेस्ट के बारे में दोस्तों जनरल कैटेगरी का नॉर्मल चेस्ट 81 होता है, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट बढ़ जाना चाहिए। अगर आप एसी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको दोस्तों 5 CM का छूट मिल जाता है,
बात करते हैं फीमेल के फिजिकल के बारे में। तो फीमेल का फिजिकल क्या होता है, तो सिंपल सी बात है मैम, आपके 1600 मीटर के रनिंग होते हैं, 8 मिनट का टाइम मांगा जाता है, लॉन्ग जंप आपके दोस्तों कितने 10 फीट के होते हैं, और आपके हाई जंप 3 फीट के हो जाते हैं। तो ये दोस्तों फीमेल वालों के लिए है। और देन दोस्तों आपका फीमेल का जो हाइट है वो भी दोस्तों थोड़ा कम मांगा जाता है, 157 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाता है फीमेल कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी वाले कैंडिडेट को 2 cm का छूट मिल जाता है, मतलब दोस्तों उनका हाइट थोड़ा कम भी होगा तो चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके होते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह आप जैसे पास करते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो मेडिकल के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ आपके मेडिकल वगैरह सब कुछ होते हैं। जैसे ही दोस्तों आप लोग मेडिकल वगैरह सब क्लियर कर लेते हो, देन दोस्तों मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी सारी जानकारी दी हुई है, मैट्रिक सर्टिफिकेट, डोमिसाइल वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे मांग लिया जाता है। जैसे ही आप ये सब दोस्तों क्लियर कर लेते हो, देन दोस्तों आपका नौकरी हो जाता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। इसके एग्जाम को मिनिमम पास करने का आपका मिनिमम जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 35, जो कि बस ऐसे ही नाम का है। एससी एसटी के लिए 30 नंबर होना जरूरी है और ईएसएम के लिए 25 होना चाहिए, बट दोस्तों ज़्यादा ही नंबर मांगा जाता है, बट ठीक है पासिंग के लिए इतना ही नंबर काफ़ी है। यही दोस्तों आपके पूरा मैंने आपको डिटेल जानकारी दे दी है, इसकी सारी जानकारी मैंने दे दी है। अब इसका फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट होगा इसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको दे देता हूँ। उससे पहले दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, अगर दोस्तों आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक मार्केट में आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आपको मिलने वाले बहुमूल्य क्वेश्चन। प्रीवियस में जिस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों पूरा पूरी पैटर्न इस बुक में डाला गया है, 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है। आपके सिलेक्शन पूरी पूरी मदद कर देगी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक साबित हो सकती है, क्योंकि आप सबको पता है अभी सिलेक्शन आपको लेना बहुत जरूरी है और दोस्तों अभी कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा था। ये बुक आपके सिलेक्शन पूरी पूरी मदद कर देगी। इस बुक को दोस्तों आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हो, में डिस्कशन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट होंगे। तो देखिए एसएससी ने ऑफिशियली नोटिस जारी किया था क्या आपके एसएससी कैलेंडर में, वहां पे साफ साफ मेंशन किया था कि 1 सितंबर 2023 से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि दोस्तों लास्ट चलने वाले हैं 30 सितंबर 2023 तक, ठीक है। और दोस्तों इसके एग्जाम कब तक होंगे, तो नवंबर में दोस्तों इसके एग्जाम होने हैं, और दिन दोस्तों इसके एग्जाम कब तक चलेंगे, दिसंबर तक इसके एग्जाम चलेंगे, मतलब एक महीना अप्रॉक्स इसके एग्जाम चलने वाले हैं। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है मेरे भाई, 7500 प्लस वैकेंसी है, और इसका सारा मैंने आपको जानकारी दे दिया है। एसएससी कैलेंडर में साफ साफ मेंशन किया हुआ कि आपकी 1 सितंबर 2023 से इसके भैया फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट दोस्तों आपके फॉर्म अप्लाई कब तक चलेंगे, तो 30 सितंबर तक चलेंगे, और एग्जाम आपके नवंबर में स्टार्ट होंगे और दिसंबर में खत्म हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इस वैकेंसी की आप तैयारी में लग जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस के ऊपर कि सिलेबस हम इसके एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है ना, जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, चाहे दोस्तों आपके क्या कंप्यूटर क्वेश्चन हो गए, तो कंप्यूटर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, 10 नंबर के आते हैं, और ज़्यादा जो इससे क्वेश्चन आते हैं क्या चीज़ कहते हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें दोस्तों कैसे इसके एग्जाम को हम क्वालिफाई कर सकते हैं, देखिए इसके एग्जाम क्वालिफाई करने का एक ही मतलब मूल सूत्र है, वो क्या है, वो है प्रैक्टिस सेट एंड देन दोस्तों बार बार प्रैक्टिस सेट रिविजन, ठीक है, और स्टडी। ज़्यादातर अगर इसके एग्जाम क्वालिफाई करना, हमें जीके जीएस को मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों हमें करंट पढ़ना पड़ेगा, जिस टाइप करंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटिक्स हो गया, ये सब दोस्तों हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, जिसमें पूरा मैं आपको डिटेल वाइज और टॉपिक वाइज और जितने दोस्तों सिलेबस है उसको पूरा कवर करूंगा, उसके थ्रू ही दोस्तों आपको मैं पूरा बता पाऊंगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आऊंगा, इसमें सिलेबस वगैरह मैं सब कुछ कवर करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसके एग्जाम को क्वालिफाई करने की स्ट्रैटेजी हमारा कैसा होना चाहिए, कैसे हम 100 में से आराम से 70-80 नंबर रख सकते हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। देखिए सिलेक्शन हमारे ही हाथ में है, बस हमें मेहनत करना है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हम आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। तो अगर दोस्तों आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो, जान लगा दो, फिर जाने दो कि थ्योरी पे काम करो, क्योंकि दोस्तों आप जितना मेहनत करोगे उतना आप सिलेक्शन के और भी नज़दीक पहुंचते जाओगे। ये आप ही की मेहनत है जो दोस्तों आपको सिलेक्शन दिलाएगी, आप ही की मेहनत है जो आपको नौकरी दिलाएगी, और ये आप ही की मेहनत रहेगी मेरे दोस्त जो आपके दोस्तों सोसाइटी में नाम बनाएगी। तो आप दोस्तों आज फैसला कर लोगे आप सोसाइटी में नाम बनाना है, मेहनत करना है, या घर में ऐसे ही बैठे रहना है डरपोक की तरह कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा भरोसा अपने ऊपर रखना है, और भरोसा जब अपने ऊपर रखोगे तो सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, किसी का बाप नहीं रो सकता आपका सिलेक्शन, बस भरोसा अपने ऊपर रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाई।